संसद में राहुल और अखिलेश की जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिल रही है। राहुल और अखिलेश का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि ये साझेदारी लंबी चल सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी को 27 में बड़ी चुनौती मिल सकती है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूपी के दो लड़कों का सियासी चक्रव्यूह आखिर कैसे भेदेगी। राहुल और अखिलेश की ये सियासी यारी को विस्तार से बताती सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जुलाई महीने की पहली तारीख थी, 18वीं लोकसभा का संसद में पहला सत्र चल रहा था। पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे। भाषण की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने संविधान का जिक्र किया, भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई। 10 साल में पहली बार सरकार बैकफुट पर नजर आई। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। जुलाई का ही महीना था, 29 जुलाई की तारीख थी, 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र चल रहा था। राहुल गांधी ने फिर भगवान शिव का जिक्र किया, महाभारत की कहानी सुनाई, चक्रव्यूह का किस्सा बताया और बता दिया कि इंडिया गठबंधन की राजनीति किस राह पर बढ़ने वाली है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। छक, सफेद टी शर्ट, हल्की बढ़ी दाढ़ी और फुल कॉन्फिडेंस से सरकार पर तीखे वार। राहुल गांधी जब भी संसद में आते हैं ऐसे ही नजर आते हैं, सरकार वही है। लेकिन राहुल गांधी के शब्दों में पहले से कहीं ज्यादा तेज धार है जो सीधे सत्ता को ललकारती है। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। बदला अंदाज है, बदले हुए तेवर हैं, और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी को घेर रहे थे तो जवाब अखिलेश यादव की तरफ से आया। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। अभी तो नई सरकार बने 2 महीने हुए हैं, लेकिन संसद में राहुल और अखिलेश यादव की जिस तरह की केमिस्ट्री नजर आ रही है वो बताती है कि यूपी के लड़कों की साझेदारी लंबी चलने वाली है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल अखिलेश सरकार पर क्यों हमलावर हैं? यूपी के दो लड़के सरकार के लिए कितनी चुनौती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि राहुल और अखिलेश के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? नीच का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना की बात हो या फिर बजट, संसद में जब भी मौका मिला राहुल और अखिलेश की गजब की जुगलबंदी देखने को मिली है। दोनों ने लगातार और एक ही अंदाज में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने।
संसद के अंदर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी यूपी के लड़कों की जोड़ी सरकार को हर मोर्चे पर चुनौती दे रही है। दोनों आत्मविश्वास से लबालब हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी में बीजेपी की करारी हार। यूपी में जिस तरह से राहुल और अखिलेश की जोड़ी बीजेपी की राह में स्पीड ब्रेकर बनी, उसकी कल्पना राजनीति के शायद किसी जानकार ने ही की होगी। जो बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही थी, वो एक दशक पीछे चली गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका फैजाबाद सीट पर लगा। अयोध्या, भगवान राम की नगरी, जहां आस्था और आध्यात्म का संगम है, उसी अयोध्या में 500 साल बाद भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या का कायाकल्प हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फैजाबाद में बीजेपी के लिए चुनावी हार कोई पहली बार नहीं थी। अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए जाने के बाद से भगवा पार्टी को इस सीट पर 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी फैजाबाद में चुनाव पहली बार नहीं हारी है। 2024 के बाद बीजेपी ने फैजाबाद सीट पर लगातार जीत हासिल की। इस बार राम मंदिर बनने से भगवा पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा न हो सका। फैजाबाद के साथ ही बीजेपी ने 29 सीटें खो दी, जिनमें से कई सीटें उस रूट पर पड़ती थीं, जिसे राम वन गमन पथ माना जाता है। यही वजह है कि फैजाबाद में मिली जीत से इंडिया गठबंधन को नई एनर्जी मिल गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 71 से घटकर 62 पर आ गई थी। इस तरह बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 62 से घटकर 33 सीटों पर पहुंच गई है। बीजेपी को इस बार 29 सीटों का घाटा हुआ है। साफ है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्मे से बीजेपी को जो उत्थान मिला था, उसका असर यूपी में कम होता जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में फिर से सत्ता हासिल करने का मुफीद मौका नजर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है, ना जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। नतीजों के बाद बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन यूपी के दो लड़कों की जोड़ी टूटने के बजाय संसद से सड़क तक मजबूत होती दिख रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी को बीजेपी भी शिद्दत से महसूस कर रही है। इसका अंदाजा संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से लगाया जा सकता है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसी के वोट खा जाती है। बीजेपी जानती है कि यूपी में कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली है और समाजवादी पार्टी को ताकत। अगर दोनों पार्टियां इसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरती हैं, तो बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल और अखिलेश की जोड़ी साथ आई है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, लेकिन तब दोनों की जोड़ी बीजेपी के विजय रथ को रोकने में नाकाम रही थी। लेकिन 24 में सियासी हालात बदल चुके हैं। यूपी को ये साथ पसंद है,
आपको ये नारा याद ही होगा, करीब 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में ये नारा काफी सुर्खियों में था। यूपी के ही दो लड़के यूपी में बीजेपी का रथ रोकने के लिए साथ आ गए थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मजबूत गठबंधन हुआ था। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरी तरह फ्लॉप रहा था। हालात ये थे कि हार के बाद दोनों ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा था, लेकिन 2024 में राहुल अखिलेश की केमिस्ट्री ने तो कमाल किया ही। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भी गजब का तालमेल नजर आया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बड़ा शानदार काम करके दिखाया है, और देश में एक वोट बैंक है जो इन दोनों के साथ आने से बटा नहीं, और वो है अल्पसंख्यक यानी विशेष करके मुसलमानों का वोट। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और अगर वो इन दोनों के साथ आने से जुड़ा रहता है तो ये इनकी बड़ी सफलता होगी। अब अगर ये दलितों का एक हिस्सा अपने पक्ष में कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर इनके लिए बड़ी सफलता होगी। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का समर्थन लेकर अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसके साथ ही अखिलेश का टारगेट अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना है। यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में लामबंद है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। यूपी में भी मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। ऐसे हालात में राहुल और अखिलेश यूपी में बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी यूपी के दो लड़कों के सियासी अटक को सीरियसली ले रही है। ABP News, आपको रखे आगे।